अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ भिंडी की रेसिपी। ठीक है, इसको हमने वॉश करके कटिंग कर लिया था। हमने ले ली है एक अदद पतीली और उसके अंदर ले ली एक अदद दरमियाने साइज की प्याज। ठीक है, इसमें हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच ऑयल, 1/2 चम्मच। ठीक है, अब हम प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करेंगे और उसके बाद इसके अंदर भिंडी शामिल करेंगे। ठीक है जी, तो प्याज हो चुकी है गोल्डन, अब हम इसके अंदर ये भिंडी शामिल करेंगे और भिंडी को हम अच्छे से जो है वो प्याज के साथ करेंगे फ्राई। ठीक है, भिंडी को फ्राई करने के बाद हम भिंडी को जो है वो निकाल लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसका मसाला भूनेंगे। ठीक है, भिंडी हो चुकी है अच्छे से फ्राई, अब हम इस भिंडी को डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद हम अपना मसाला भूनेंगे। ठीक है जी, तो अब हम भिंडी का मसाला भूनेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच ऑयल, क्योंकि ऑलरेडी भिंडी में भी ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा इसलिए। ठीक है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसको हल्का सा जो है वो लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। लहसुन अदरक भुन चुका है, अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने ली है नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही साथ हमने 2 अदद टमाटर लिए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसको हम भूनेंगे। जब तक हमारे टमाटर नहीं गल जाते तब तक हम इसको भूनेंगे। हम इसके अंदर एक हरी मिर्च भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर अच्छे से गल जाए और फिर उसके बाद हम इसमें अपनी भिंडी शामिल करेंगे। हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, अब हम अपनी फ्राइड भिंडी जो है वो इसमें शामिल कर रहे हैं। अब हम अपनी भिंडी को थोड़ी देर के लिए हम जो है वो ढक के इसमें पकाएंगे और फिर उसके बाद आपको उसका डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। जी, तो अब हम चेक कर रहे हैं अपनी भिंडी, तो हमारी भिंडी हो चुकी है तैयार। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं और आपको उसका फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये है हमारी भिंडी की फाइनल लुक। आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इतनी सिंपल भिंडी की रेसिपी कैसी लगी। मेरा पेज लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।